कामयाबी के फलसफे आप दुनिया जहान से सुनते हैं, क्या कभी कुरान मजीद से पूछा कि ऐ हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब, ऐ फुरकान मजीद तू बता ऐसा रास्ता, ऐसा तरीक़ा जिससे मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊँ और मेरी आखरत भी सवर जाए। कुरान मजीद हमें बताता है कामयाबी के 8 असूल, जिस पर अगर हम अमल कर लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाबी से नहीं रोक सकती। पहला असूल, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, यानी ऐसा उस्ताद तलाश करें जिस पर अल्लाह ने इनाम किया हो और वो इस इनाम को बेलौस होकर खल्क़े खुदा में बाँट रहा हो। अगर आपने किसी इनाम याफ्ता को पा लिया तो वह आपको मुश्किल वक्त में सही रहनुमाई देगा, आपको भटकने से बचाता रहेगा। दूसरा असूल, फ़इन्ना मअल उस्री युस्रा, कोई शक नहीं कि मुश्किल के साथ आसानी है, यानी मुश्किल हालात में लड़खड़ाना नहीं है बल्कि मजबूती और वक़ार से खड़े रहना है। अगर आप मुश्किल हालात में खड़े रहे तो अगले मरहले पर आसानी आपका इस्तकबाल करेगी। तीसरा असूल, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, यानी चाहे नाकामियों के पहाड़ खड़े हो जाएं, मायूसी को अपने करीब फटकने न दें। यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। हर नाकामी को अल्लाह से अपनी ट्रेनिंग समझें, कदम बढ़ाते रहें, एक दिन अल्लाह की रहमत नाकामी को कामयाबी में बदल देगी। चौथा असूल, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफक्करून, जो लोग गौर करते हैं इनके लिए इसमें निशानियां हैं, यानी अपने बारे में, अपनी कामयाबियों और नाकामियों के बारे में गौर व फिक्र करते रहें, खुद समझ ना आए तो इनाम याफ्ता लोगों से रुजू करें। पांचवा असूल, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले, यानी कोशिश और जद्दोजहद के बगैर हालात नहीं बदलेंगे। अल्लाह की मदद आपके साथ तब शामिल होगी जब आप खुद अपने हालात बदलने की जद्दोजहद करेंगे। छठा असूल, वान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सहा, बेशक इंसान को उसकी कोशिश से ज़्यादा नहीं मिलता, यानी आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे वही आपको मिलेगी। एक साइकिल की कोशिश करने वाले को साइकिल मिलेगी, हवाई जहाज़ की कोशिश करने वाला एक दिन हवाई जहाज़ का मालिक ज़रूर बनेगा, साइकिल के लिए सही करने वाला हवाई जहाज़ का मालिक नहीं बन सकता। सातवां असूल, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो अल्लाह है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे काम करने वाला है, यानी अपनी ज़िंदगी से हर बुरे अमल को ख़त्म कर दें, नेकी और खैर के कामों की कसरत कर लें, अपनी इस्तेआत के मुताबिक लोगों की मदद करें, माल हो तो माल से नेकी करें, ओहदा हो तो इख्तियार से नेकी करें, हुनर हो तो उसे नेकी में इस्तेमाल करें, दानाई हो तो लोगों में सुलह करवाएं, अगर कुछ नहीं है तो ज़ुबान से नेकी करें, मीठा और सच्चा बोल बोलें। आठवां असूल, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा नवाजूंगा, यानी शुक्र करने वाला बन जाएं, मगर सिर्फ ज़ुबान से शुक्र अदा ना करें बल्कि सरापा शुक्र बन जाएं, शिकायतों का बाजार ना लगाएं। शुक्र तो ये है कि लोग आपको खुश और मुतमईन समझें। याद रखें, ग़ुलाम का खुशहाल नज़र आना आका की तारीफ़ है जबकि ग़ुलाम का बदहाल नज़र आना आका की बुराई है। अल्लाह के ग़ुलाम का खुशहाल नज़र आना अल्लाह की तारीफ़ है। सच्चे शुक्रगुजार बन जाएं, अल्लाह पर नवाजिशों के दरवाज़े खोल देगा। दोस्तों, भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, इन आयात मुबारका की रोशनी में इन 8 बातों पर अमल करें। यकीन रखें इंशाअल्लाह अज़ वजल अल्लाह की अता से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।